नमस्कार ओम शांति। पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूं तुलसी। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। और सही डिसीजन लेने की हमारे अंदर क्षमता हो, आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स अस वाइज। आने वाली समस्याओं को आंतरिक शक्ति से समाधान विषय पर वेबिनार में बोले वक्ता, सभी समस्याओं का स्थायी समाधान है राजयोग ध्यान, मुंबई मलाड सेवा केंद्र का कार्यक्रम। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के लिए मोटिवेशनल कार्यक्रम, कमांडर विजय साहू समेत कई लोगों ने बताया आध्यात्मिक उन्नति के उपाय। उड़ीसा के फ्लेमिंगो सेवा केंद्र का आयोजन। और आखिर में वन महोत्सव के उपलक्ष में राउरकेला सेवा केंद्र ने बड़ी संख्या में किया पौधारोपण। पर्यावरण बचाने की मुहिम के साथ कोरोना से बचने की दवाइयों का भी निःशुल्क वितरण। मुंबई के मलाड सेवा केंद्र द्वारा बिल्डिंग रेजिलियंस सीरीज के अंतर्गत इनसाइट्स फॉर ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें एक्ट्रेस कविता कौशिक, एक्टर ऋषिकेश पांडे और फ्लेमिंगो सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्जा ने जीवन में आने वाली परिस्थितियों का कैसे सामना कर सके उसे अपने जीवन के अनुभवों द्वारा साझा किया। प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स के बारे में हम बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं, तो बहुत ज्यादा चिंतन वो प्रॉब्लम्स का हल नहीं है, बल्कि मन को रिलैक्स करना, मन को सरेंडर करना, वो प्रॉब्लम्स का हल है। When we surrender, I feel the practical way of understanding surrender is to accept whatever circumstance, you know, has been given to us or has come into our lives, and be compassionate towards it, yes, yet be little disconnected from it and approach it by not being so very attached emotion. If we can do that, sukh aur dukh dono se normal react karenge, agar na sukh se bilkul pagal ho jayenge aur na dukh uth jayenge, agar hum कर सकते हैं कि हम दोनों सूरतों में न्यूट्रल रहे और सही डिसीजन लेने की हमारे अंदर क्षमता हो, आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स अस वाइज। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस तूफान से आप डर रहे हैं वो तूफान आप तक आता ही नहीं है, थम जाता है या अपना रास्ता बदल देता है। सो तब तक इतना संयम, इतना धैर्य रखिए कि बहुत सी तकलीफें जिंदगी में आती हैं, वो आके खत्म हो जाती हैं। कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं है जिसका सोल्यूशन लाइफ में नहीं है। सो यू हैव टू बी काम and wait for the right time, and that's what things happen. इसके साथ ही प्लेबैक सिंगर विशाल कोठारी ने गीत के जरिए सभी का मनोबल बढ़ाया, तो मलाड सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके कुंती ने अपनी शुभकामनाएं दी। अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर बना रे, भूल के ये जहां रे, जिस किसी ने यहां पे साथ पाया तेरा है देवा, श्री गणेशा देवा श्री गणेशा देवा श्री गणेशा देवा श्री गणेशा। हर रोज एक बात को हम अपने जीवन के अंदर अपनाने का एक लक्ष्य रखें। सब पूजा नहीं करें, लेकिन वो आरती करने समय, वो पूजा पाठ करने समय उसमें से कौन सी एक बात आपको अच्छी लगे, उस बात को मैं अपने जीवन के अंदर संकल्प करूं कि आज मैं इस बात को अपने अंदर अपनाऊंगी। ब्रह्मा कुमारी इसके धार्मिक प्रभाग और चेन्नई के अद्यार सेवा केंद्र द्वारा पीस एंड सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रू स्पिरिचुअलिटी विषय पर ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज जस्टिस रामा सुब्रमण्यम, धार्मिक प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके रामनाथ, तमिलनाडु के सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, अद्यार सेवा केंद्र प्रभारी बीके मुथुमणि, श्रीलंका के राष्ट्रीय संयोजक बीके गणेश समेत अन्य प्रसिद्ध विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए। यही लक्ष्य है इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के, अध्यात्म ज्ञान द्वारा मनुष्य से देवता बनाना। कल किसने देखा, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, अच्छी तरह से एक बात बुद्धि में रखना कि आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश करने के बाद
इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड जो भी वो आत्मा कर्म करती है, हर सेकंड हर कर्म आत्मा के अंदर संचित होता है। फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन एंड देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। हमें पता नहीं था हर कर्म रिकॉर्ड हो रहा है। माय पॉजिटिव वाइब्रेशंस शुड बी एट द लेवल ऑफ 100%। बट व्हाट हैज हैपेंड ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ द वर्ल्ड एट प्रेजेंट माय मेंटल हेल्थ से इज ओनली 30-40%। The people around me, the world in which I am living, is also having vibrations at the level of 20-30%. So there is a likelihood that the influence of the atmosphere around me will be very quick, will be very fast on me, and my mental vibes also are likely to come down. वहीं भुवनेश्वर में ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स के कमांडर विजय कुमार साहू द्वारा स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर ब्रह्मकुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर पटिया सेवा केंद्र प्रभारी बीके गुलाब समेत अन्य सदस्यों ने रेड स्वास्तिक सोसाइटी के सेक्रेटरी कम ट्रेजरर देवाशीष पटनाइक, हार्टिकल्चर के फॉर्मर डायरेक्टर SN बेहरा व उपस्थित सभी स्टाफ को वर्तमान परिस्थितियों के बीच स्वयं को सशक्त व तनाव मुक्त कैसे बनाए इसकी कला सिखाई तथा सभी को शॉल व ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखा गया था। बाबा के ज्ञान रत्नों को स्वयं का खजाना बनाना है और अनेक आत्माओं को बांटते रहना है। अनेक आत्माओं को बांटेंगे तो वो आगे बढ़ती जाएगी। अभी आप सुन रहे थे संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से संस्था के युवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके आत्म प्रकाश को। दरअसल वे संस्था के स्पिरिचुअलिटी एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर यानी स्पार्क प्रभाग द्वारा विशेष युवाओं के लिए विविध गतिविधियों से परिपूर्ण तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप के तहत आयोजित सफल करो सफलता मूर्त बनो विषय पर ऑनलाइन सेशन में अपना वक्तव्य दे रहे थे। इस कार्यक्रम में स्पार्क से जुड़े बड़ी संख्या में लोगों ने ऑनलाइन इसका लाभ उठाया तथा अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। इसके साथ ही आगामी समय में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर ने ईश्वरीय ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए ब्रह्मकुमारीज ORC नामक ऐप लॉन्च की है, जिसमें मेडिटेशन पावर का अनुभव करने, रिट्रीट सेंटर में होने वाली गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने और रोजाना की स्पिरिचुअल स्टडी के फीचर्स हैं। यही नहीं, गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा 24 आवर चलने वाले म्यूजिक चैनल म्यूजिक गॉडलीवुड का भी इस ऐप से आनंद ले सकते हैं। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर इसका लाभ ले सकते हैं। पुणे के पिसौली स्थित ब्रह्मकुमारीज के जगदम्बा भवन से कुमार करे कमाल थीम के तहत व्यर्थ से मुक्त समर्थ कुमार जीवन विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पावरफुल क्लासेस, स्पिरिचुअल गेम्स, कलेक्टिव मेडिटेशन सेशन एवं विविध एक्टिविटीज शामिल थी। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हरियाणा के पानीपत स्थित ब्रह्मकुमारीज के ज्ञान मान सरोवर रिट्रीट सेंटर के निदेशक बीके भरत भूषण रहे। कुमारों के जीवन में अगर एक बार उनके माइंड में आ जाए तो वो फिर बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए बाबा भी कहते हैं कि उस सेंटर में रौनक, आज भी बाबा ने कहा ना, पांडवों के बिना तो बच्चे, मुरली में कहा, सेंटर पावरफुल नहीं बनता। चेन्नई के अद्यार सेवा केंद्र द्वारा गणेश चतुर्थी पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने सुंदर ड्रामा प्रस्तुत किया और बीके बहनों ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताया। इसके साथ ही क्विज भी आयोजित की गई, जिसमें सभी के बुद्धि कौशल की परीक्षा ली गई। ताम
ओडिशा वन महोत्सव के उपलक्ष्य में राउरकेला सेवा केंद्र के द्वारा ग्रीन द अर्थ एंड क्लीन द माइंड अभियान के तहत 12वां पौधारोपण कार्यक्रम IGH कॉलोनी, 13वां पौधारोपण कार्यक्रम पहरटोला NWGEL चर्च और आगे 14वां और 15वां पौधारोपण कार्यक्रम गोपालटोली बस्ती कांटाझर बस्ती में आयोजित किया गया। आप देख रहे हैं सभी स्थानों की तस्वीरें जहां बीके सदस्य बढ़ चढ़कर पौधारोपण कर रहे हैं, साथ ही साथ चिकित्सकों की टीम लोगों को COVID-19 महामारी से बचाने के लिए लाभप्रद निशुल्क दवाइयां भी वितरित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बीके राजीव, बीके धनंजय, बीके लक्ष्मी समेत अनेक सदस्यों का मुख्य रूप से योगदान रहा। आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें जो विश्व बंधुत्व दिवस से जुड़ी है। इसमें पहली खबर गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर से है, जहां स्मृति सरिता नामक ऑनलाइन कार्यक्रम में बीके सदस्यों ने गीत, भाषण और नृत्य नाटिका के जरिए दादी जी की विशेषताओं और उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को सभी के समक्ष रखा। Look at the headlines today. ठीक है प्यारे लाल जी, आप अभी जाइए, शाम को आपकी बेटी से मिलने में जरूर आऊंगा। आइए रामा, तुमको कुछ फर्क पड़ता है चट्टोपाध्याय जी? We have lost our dream client. Find the culprit. I will not spare him. How can you be so relaxed? स्वामी जी, क्लाइंट तो एक गया, दूसरा भी मिल जाएगा, लेकिन किसी की जान वापस नहीं आएगा। वही राजस्थान के भरतपुर सेवा केंद्र द्वारा भी दादी प्रकाशमणि जी की 13वीं पुण्यतिथि पर विशेष आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल, एडवोकेट अमर सिंह, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बबीता समेत अन्य सदस्यों ने अपने विचार रखते हुए कहा कि दादी जी ने इस संस्था के प्रकाश को 140 देशों में फैलाया एवं निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी के माध्यम से सारे विश्व की आत्माओं के दिलों को जीता। आगे मध्य प्रदेश के रतलाम में नजरबाग कॉलोनी सेवा केंद्र और राजीव गांधी सिविक सेंटर पर भी सेवा केंद्र प्रभारी समेत अन्य बीके सदस्यों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके समान ईश्वरी श्रीमत पर चलने का श्रेष्ठ संकल्प किया। वहीं मध्य प्रदेश के बीना सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके जानकी समेत अन्य सदस्यों ने पौधारोपण करने के साथ ही दादी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं छत्तीसगढ़ के नवापारा सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके पुष्पा समेत अन्य बीके सदस्यों ने पुष्पांजलि देकर दादी जी की विशेषताओं का संस्मरण किया। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।